हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम 5 बजे से। और आज के मेरे ब्लॉग की मैक्सिमम टाइमिंग ऐसे होगी 4 या 5 बजे से। और आज मैं जा रही हूँ, क्या है आज मम्मी, आज क्या है, आज है हेरी। हेरी मतलब हमारी लैंग्वेज में तो हेरी बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई त्यौहार होता है जिसमें मतलब हम बबरू वगैरह बनाते हैं। और ऐसे मेरे को नहीं पता साथ क्या में मैं भी जा रहा हूँ, यो यो हनी सिंह। हाँ, आप तो फिर मेन हो ना, मेरे से मेन तो आप हो। मेरे को जाना पड़ेगा, आज लास्ट त्यौहार है, फिर लोहड़ी आनी इसके बाद अब लोहड़ी आनी, अब इसके बाद फिर सर्दियाँ वगैरह भी आ जाती है ना। पतझड़ चली तो हुई है, देखो हमारे आंगन में अब तो रोज झाड़ू लगाने पड़ता है, क्योंकि ये सेब का जो पेड़ है इससे रोज पत्ते गिरने स्टार्ट हो गए। सिखाया भी है कुछ तो, इसका भी करना पड़ेगा। वो तो है भाई। और पीछे चिगू खुद बोल रही है, अभी मैंने वीडियो में ना देखो, अभी अपने भैया के पीछे 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 छिप रही, देखो चलने मेरे साथ, चलने चल पड़, सच में चल पड़, चलो ये देखो कितना शर्मा रही है। तभी तो अभी मैं और ये जा रहे हैं, और मम्मी भाई वगैरह को हम घर में छोड़ के जा रहे हैं। मैं और सिद्धू घर में थे, मम्मी भी यहाँ पे मतलब थोड़ी देर मैं में वो सोच रही हूँ मैं भी चली जाऊँ इनके साथ, पर कहाँ जाऊँ, आज तो साल का त्योहार एक बार आता है। हाँ मतलब वो ही ना, आपको भी घर में वो बबरू वगैरह बनाने चल पड़ो तो क्या है, उधर ही बना लेंगे। मम्मी ऐसे बोलते, मतलब मेरे को पता अगर ऐसे चलते। सच में चल पड़ो मम्मी, चलते सारे फिर चलेंगे ये देखो। मम्मी ऐसे बोलती फिर बाद तभी तो, अरे मम्मी ऐसे और बाद में मम्मी क्या, अगर हम ऐसे ऑफ कैमरा बोलेंगे तो मम्मी बोलेंगे नहीं घर में फिर ऐसे वैसे। आज तो आ रहे घर ऐसे सोना छोड़ के कभी कैसे। अच्छा तो चलो मम्मी फिर हम चलते हैं ना, ठीक है फिर, बाय 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 जिगू। अभी हम लोग रोड में पहुंच गए, और रोड में पहुंचते भाई मेरी तो सांस ओए क्या है, लड़की को डरा दिए देखो बेचारी को। वो वीडियो में ऐसा आ जाएगी ब्लॉगिंग करते ली दो मासूम लड़कियों की जान। नहीं ऐसा ना बोल, ये तो देखो बोलने बात, पर ऐसा नहीं बोलते यार, आज तो दिन है क्या, तो आप हमारे बोलने से मैंने ऐसे डराने के लिए मैं न्यूट्रल आया था, मैं देखने मैं सोच रहा था न्यूट्रल आए थे तो ब्रेक भी नहीं लगनी, तब तो हमने मेरे को लग रहा सच में मरना था, पूरा ध्यान रखा था यार, ऐसा गुड़ियों पागल गुड़ियों आपको मैंने कुचल जाना ऐसे। हाँ वैसे वो भी है, वैसे देखिए इधर इधर कर कैमरा यार, ये देखो मतलब अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसे कुछ भाई जब यहाँ पे दिल के ऊपर सिद्ध मुसियार लगा होता फिर तो। हाँ, वैसे काफी स्मार्ट दिख रहे हो। चलो मैं स्मार्ट हूँ ना हूँ, पर ये बंदा जब मेरे यहाँ पे होता है फिर मैं तो मेरा क्या बढ़ जाता है, मतलब जिगरा और बढ़ जाता है हौसला। हाँ वो भी है, जिगरा बढ़ जाएगा और भालू भी होंगे चल पड़ते जल्दी जल्दी सामने ये, और पीछे जब तू बैठ जाएगी तो जिगरा। ये देखो डायलॉग तू क्या कर रही, अब कर अब कर, और देखो मेरे को साथ में छोड़ने आई यहाँ पे कौन स्मार्ट लग रहा है आप लग रहे, मैंने तो बोला नहीं ना कोई स्मार्ट लग रहे कौन, देखो भाभी की तरह ये तो हर बार ऐसा ही होगा, मतलब 100 में 100 बार पूछो आपकी स्पॉट करता था नहीं, ऐसे एक दिन काट दो नहीं, आपकी स्पॉट कोई करता तो है नहीं, क्यों ऐसे बार बार बोल रहे हैं, आप भी अच्छे लग रहे हो। हाँ देखो बस कर दिया ना लड़की ने। हाँ, चलो फिर चलो अभी अंधेरा भी हो जाना है, ठीक है जिगो फिर बाय बाय। अब इनको देखो, मतलब आजकल ना इसकी आदत बिल्कुल सेम टू सेम ब्रोनी की तरह हो गई, 3-4 दिन हो गए इसको घर में, मतलब कोई लेना देना नहीं, देखो अभी कितने इग्नोर मार के चला गया हमें। देखो क्या है, मैं बड़ा बोलता हूँ ऐसे, मतलब ये रोटी नहीं करेगा कभी ऐसे। हाँ देखो मतलब इनको मैं ऐसे बोलती थी ना, आजकल घर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, मेरे को भूल गया यार, मैं जब इसको आवाज लगाता हूँ ना, जब मेरे नजदीक हो ना मैं ऐसे बोलता रोकी इधर, रोकी तो फिर गया पूरा दिन नहीं आता है। मैं मतलब स्टार्ट में इनको ऐसे बोलती थी, देखना ये कुछ टाइम बाद मतलब सेम ब्रोनी की तरह हो जाएगा। क्या सीन हो गया, लड़कियों के उसमें पड़ गया चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में पड़ गया, पर वो तो पता है अभी कितना बड़ा इग्नोर मारा नहीं, एक बार भी नहीं देखा भाई, खाने तक सीमित रहा है शाम को। देखो ब्रोनी इतना भी नहीं करता, अगर ब्रोनी ऐसे होता ना तो वो मतलब हमारे पास आ जाता एक मिनट, पर इसका एक वो है घर में एक बार आता जरूर है। कब आया, अब तो 2-3 दिन हो गए नहीं आया, नहीं आता, आया था, आया था, आया था, आज भी आया था मैंने देखा, तो आधे रास्ते तक आया होगा ना, आज इसकी थाली में खाना उसको खाता चुपचाप और भाग जाता, तो वो तो फिर मतलब के लिए आता ना, वो तो पता नहीं अब क्या होगा इसका। चलो देखते हैं, लग जाना आगे आगे ब्लॉग में सभी को लग जाएगा क्या आएगा घर भाई इसका, मैं गारंटी दे रहा हूं सर्दियों में इसने घर ही आना है, ये सर्दियों में कुछ टाइम बाद आ जाएगा, मेरे को लग रहा है आ जाना, पर उस टाइम मेरे से बड़े जूते पड़ने इसको। हाँ वो भी है। और अभी आप लोग शाम का व्यू देखो तो ऊपर पहाड़ों के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी धूप लगी हुई है, और आधे पहाड़ों में बादल छाए हुए देखो। नहीं भी जाने से पहले मतलब अपनी माता का यहाँ पे मत्था वगैरह जरूर टेकते हैं, जय हो छो वाली माता। और दीक्षु भी इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मानते, क्या बोलते दीक्षु, मानते कि नहीं मानते,
सच में यार। नहीं नहीं वो तो है, पर इसका मतलब ये साक्षात यहाँ पे बैठे यार हमारी देवी बहुत ज्यादा रक्षा करती है, क्योंकि आप ऊपर पहाड़ देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कभी भी पत्थर गिर सकते हैं। पर मैंने तो बहुत बार पत्थर गिरते भी देखे है। दीक्षु एक बार पता आपको, यहाँ पे डैडी आ रहे थे ना हमारी शादी के टाइम ही, तो मतलब ऊपर से ये जितना भी पर्वत दिखाई दे रहा ना, कम से कम क्या पूरा मैं बोलता हूँ एक ट्रक भर के मतलब गिर गया था, पर डैडी के बीचों बीच चले गए, मतलब ऐसे साइड साइड में चले गए थे ना। मैंने काफी लोगों से सुना है कि मैंने सच में यार बहुत साक्षात ही देवी यहाँ पे आके बैठी है। और इनका जो रेल वाला मंदिर है वो आप नीचे देख सकते हो, नीचे देखो वो आपको मैंने बहुत सारी वीडियो में दिखाया था ये वाला मंदिर। और जो नीचे है वो है हमारा गाँव जहाँ पे हमारे पहले घर थे, और अभी हम उस गाँव से उठ के हम तो ऊपर आ गए हैं, वो रहे हमारे सामने घर। लेकिन थोड़े बहुत जो लोग हैं अभी तक नीचे ही है, उन बेचारों का अभी तक ऊपर आना है। हमें देखो भाई रोड इतना दूर है और वो अभी वो नीचे है, तो मतलब धीरे धीरे सभी ऊपर आ रहे हैं रोड की तरफ। तो कुछ ही सालों में सारे के सारे लोग, कुछ सालों में सारा का सारा गांव ऊपर आ जाएगा यार, में क्या बोलते है ना। तो अभी निकलते हैं, अंधेरा हो जाए, नहीं तो ब्लॉगिंग के चक्कर में आसान हो हमारी बाइक की, तेरे को पता है क्या नहीं है बस लाइट नहीं। सच में भालू भी मिलेंगे जल्दी, चलो तो चलो, तो भालू का टाइम भी चला, चलो चलो कैसे आज सच में यार अभी कह रहे हैं बड़े स्मार्ट लग रहे हैं कसम से, कैमरा में लग रही हूं ना जल्दी का क्यों ऐसे नहीं क्यों नहीं। और साथ में झोला तो यार क्या ही बोलूं, चलो यार। और साथ में मेले वाले कपड़े डाले हुए मैंने, और साथ में मेले की चप्पल, क्या यार लीग नहीं ली सच बोल, कितने 100 रुपए की ना, मेले लगते इसीलिए 100 रुपए की लिए, 100 रुपए की नहीं 20 रुपए की है। अच्छा 300 रुपए की चप्पल है। मेरे सामने बेचारे भैया को 300 बताया था, खा के बोलती हूं, उनके साथ बहस बहस करके कितने में 200 रुपए की, तो वहां पे चप्पल ही नहीं, 200 रुपए की दी है, ये वाली चप्पल 300 रुपए की है। वैसे गंदी दिख रही ना, मैली होगी वो तो है। तो चलो अभी चलते है ना, चलो। The next day. तो अभी मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी शेडी हो गई हूँ, और यहाँ पे देखो मैंने रिया के कपड़े लगा लिए हैं। आज मेरा मतलब ऐसे बड़ा मन सा कर रहा था कि थोड़े अलग उसमें फोटोज वगैरह लूं, तो अभी मैंने रिया को बोला है, देखते वो आती है नहीं। और दीदी अभी पूरा ड्रेसअप करके बैठे हैं, दीदी सब तैयारियाँ क्यों, फोटोशूट के लिए फोटोशूट के लिए इतनी मेहनत सारे भाई इतनी देर में किसी काम के लिए बोलती, तो दीदी के पास जरा भी हिम्मत नहीं थी, दीदी बीमार है, दीदी वैसे है, दीदी वैसे, अभी फोटोशूट करने के लिए देखो। मैं तो क्या बोलते वो मुंह भी नहीं धोए थे, कैसे थोड़ा आलसपन है ये आलसपन, इतना तैयार होके फोटो खिंचाने आ गए और काम को बोलो तो आप बीमार हो, तेरे से ज्यादा ही करती हूँ मैं, ठीक है। नहीं यार मजाक करी, अब आपकी अच्छी अच्छी फोटो लेना मेरी जिम्मेदारी, चलो स्टार्ट कर, देख लेना अच्छा कितनी अच्छी लेती, ठीक है। मैं अच्छी लेती, मैं बहुत अच्छी फोटोग्राफर हूँ, आपसे तो कई गुना अच्छी लेती, कोई नहीं लग जाएगा पता, मतलब इस वाली वीडियो के बाद में आपको पता चल जाएगा जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर करूंगी ना अपलोड, जरूर से देखे दीदी की इंस्टाग्राम की फोटोज, ताकि आपको पता चले मैं कितनी अच्छी फोटोग्राफर। हमने फोटोज वगैरह लेने के लिए देखो ये वाली लोकेशन चूज करी है, और हमारे साथ में कोको भी फोटोज लेने के लिए आया हुआ है। चल तू के बैठ गई ले फोटो, हाँ तो बैठो तुझसे, मैं तो तैयार हूँ। हम फोटो शूट वगैरह करके पहुंच गए घर में, और भाई सच बोलूं तो इतनी बेकार बेकार फोटोज आई सारी की सारी, और इस बंदी ने वो फोटोज ली है भाई, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं देखो यार, मतलब यार एक भी फोटो एक जैसे तो अच्छी है, ठीक है ना, मतलब एक भी फोटो मेरे को ऐसे देख के ऐसे नहीं लग रहा कि ये कुछ इंस्टा वगैरह के ऊपर डालने वाली है, फिर भी मैं मतलब थोड़ी बहुत डाल दूंगी एक या दो, जो 10 फोटोज में ना मतलब एक या दो अच्छी आई होंगी वो वाली। और वो देखो आज हमारे घर में निकला एक नया मेहमान भी आई मेरी बुआ की लड़की, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा इसको पहले भी ब्लॉग में, पर पता नहीं याद होगा या नहीं, तो अगर नहीं याद तो मैं बता दूँ इसका नाम है शीतल। हाँ और देखो शर्मा रही लड़की अभी अभी हम एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चीज़ खा रहे हैं जो कि आपको दीदी बताएगी, खट्टी मीठी इमली। ये ली कितने की दीदी? 10 रुपए की, 10 रुपए की वो नहीं आते ऐसे बजाने वाले जाते टून 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 बाल वगैरह जो, और ये दुकान से ज्यादा टेस्टी है, बहुत ज्यादा खट्टी मीठी, सारे के सारे लोग खा रहे, देखो मैंने अपनी ली हुई है, मैंने अपनी, और गाइस आई एम ये गाइस ये भी खा रहे हैं, हां तो मैं भी खा रही हूं, मुझे भी हाथ दिखा, अपने हाथ दिखा, ये होता जानवर वाला खाना, और तू कौन सा इंसानों की तरह खाया कर, मैं तो एक ही इससे खा रही भाई एक फिंगर, तू भी तो जान, तूने भी तो पूरा हाथ गंदा कर लिया, तू क्या ऐसे खाती से, ये देखो अभी रिया ना उसके स्टाइल में गाइस ये जलती है मेरे खाने से मेरे खाने के तरीके से, ये देख अभी ना ये क्या बोलते वो कर रही है स्टाइल मार के खा रही कैमरे में, ऐसे खाते हैं मैं ऐसे खा रही हूं, पड़ी थी झूठी झूठी क्या। और यहाँ पर देखो मम्मी का सेकंड लड़का, मम्मी मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको ना ये भाई से ज्यादा प्यारा हो गया,
नहीं कैसे, नहीं, नहीं कैसे लग रहा है? मेरे को लग रहा है, देखो मम्मी ऐसे क्या बड़ा होगा ये बच्चा है। देखो मम्मी मतलब इतना ज्यादा प्यार किसी भी डॉगी से नहीं आज तक मैंने देखा। और कोको को मम्मी जब देखो तब गोदी में उठा के रखते, देखो ये देखो गुस्सा तो इसको भाई, इसके नाक के ऊपर ऐसा है ना, देखो ये देखो कोको कोको। और घर में सबसे ज्यादा ढूंढता भी मम्मी को ही है, सबसे ज्यादा प्यार ये भी मम्मी के साथ ही करता है। देखो देखो मम्मी आप जब चले जाते हैं ना ऐसे मतलब थोड़ा बाहर वगैरह तो आपके पीछे जैसे लग पड़ता है भौंकने की, मेरे को साथ में ले जाओ। कोकी बाय बाय। तेरे को पता क्यों भौंकता है? क्या? इसको मैं दूध देती हूँ तभी, आप नहीं देते हो ना तभी चला। मेरी दूध देने वाली कहाँ गई? मेरी दूध देने वाली अभी इसको गुस्सा आ रहा है, छोड़ दो मेरे को छोड़ दो। देख क्या शहर है गुस्सा।